जय शेरावाली का, जय माता जी, जय शेरावाली का। नमस्कार सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप बता रहे थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर जी, उनके साथ आपके बड़े मधुर संबंध रहे हैं। हमें पता है कि आपके जो हमारे गुजर चुके वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली हैं, उनके साथ बड़े मधुर संबंध थे। आपके छात्र जीवन में आप उनके साथ थे और चंद्रशेखर जी के साथ भी आपका बहुत ही लगाव रहा है, उनके साथ रहे हैं। तो आप कृपया हमें कुछ बताएंगे, चंद्रशेखर जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और क्या क्या आगे हुआ? सबसे पहले चंद्रशेखर जी से मेरी मुलाकात 1977 में जब वो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय हुई। चुनाव में जनता पार्टी विजय हुई और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। चंद्रशेखर जी से उस समय मैं पहली बार मिला और दूसरी बार जब हमारे गांव से एमएलए थे शांति स्वरूप त्यागी। कौन सा गांव आपका? जेल में भी रहे। कौन सा गांव आपका? अब वो एक्सपायर हुए शांति स्वरूप त्यागी, तो वो एक्सपायर हुए तो वो हमारे गांव बराड़ी में आए जी, और डेड बॉडी के साथ 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 हम भी साथ साथ चले और यमुना तक गए। और यमुना में जब उनका दाह संस्कार हुआ वहाँ बैठे तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये एक ऐसा रास्ता है, इस रास्ते से सभी को गुजरना है। वाह। उसके बाद जो है उन्होंने भारत की यात्रा की कन्याकुमारी से दी थी। आप बता रहे थे कि आपने उनको कुछ पानी की बोतल वगैरह दी, वो क्या किस्सा था? क्या पानी की बोतल दी आपने जब वो यात्रा कर जी? फिर उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली की जब पदयात्रा की तो मैं मथुरा में था, तो मथुरा जो है उस समय जब वो पैदल जा रहे थे पदयात्रा, तो मैं रोड पे आके हमने पानी की व्यवस्था ठंडा करता की सब उस समय भी मुझे उनसे काफ़ी उन्होंने, तो मैंने कहा कि मैं बुराड़ी गाँव से हूँ, तो पहचान से लग रहा था पहचान की वो बुराड़ी गाँव आए। उसके बाद तीसरी बार जब वो मुझे मिले तो मैं रोहिणी में रहता था। उनके पाँव में पट्टी थी आप बता रहे थे। और जब वो आए तो उस समय सतप्रकाश मालवीय जी उस समय मंत्री थे और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे जी। बारिश आ गई तो उस समय तक चंद्रशेखर जी एक्स पीएम हो चुके थे और सभी बारिश की वजह से इधर उधर छुप गए। और उस समय जो है हाँ जी, वो जब आए तो मैं सबसे पहले गया तो मेरे से पूछा कहाँ है सब, क्या बारिश की वजह से इधर उधर छुप गए हैं, तो वो बुलाइए। तो मैंने सबको जो है बुलाया, आस पास छुपे हुए थे। तब मेरी तीसरी बार उनसे मुलाकात हुई, फिर भी मैंने कहा कि मैं सर बुराड़ी गाँव से हूँ, तो वो बड़े खुश हुए कि आप तो पहले भी मिले। मैंने कहा तीन बार, और जब वो एक्सपायर हुए तो मैं आबू रोड में था, तो मुझे पता चला वो एक्सपायर हो गए, तो मैं उनके एक्सपायर होने के नेक्स्ट डे उनकी कोठी 3 साउथ एवेन्यू जी मैं वहाँ गया। बहुत लोग भीड़ थी वहाँ जी जी, मैं भी जो है वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए गया था चंद्रशेखर जी को जी जी। नहीं मैं आपने आपने जो बता रहे थे कि जब वो पदयात्रा कर रहे थे तो उनके पाँव में पट्टी बंधी हुई थी और वो हाँ पहले मेटाडोर एक आई थी उसमें उनका कुछ सामान वगैरह होगा, उसके बाद वो पैदल पैदल 10-15 व्यक्ति के साथ साथ आ रहे, पैर में पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा बहुत ढका हुआ जी लग रहा था। तो जी और उस समय हम मथुरा में थे, तो मथुरा ये अभी याद नहीं आ रहा कौन सी ईयर की बात है जी जी, तो मतलब उसमें आपने जो है पानी की बोतल जो है मतलब आप उन्होंने मांगी कि आपने स्वयं दी? आपने स्वयं दी? स्वयं मैंने रखी थी वहाँ टेबल लगा के। हाँ जी, तो फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो उस समय उन्होंने पानी पिया, बातचीत हुई हमारी थी, मैंने बताया कि मैं बुराड़ी गाँव से हूँ, मेरी सर्विस है। तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री के पद पर थे? जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे वो। अच्छा, हाँ जी जी जी, 80 के बाद की बात है, मुझे डेट याद नहीं, मेरे ख्याल से ये बात होगी तो 82-83 होगी जी जी जी, ख्याल से एग्जैक्ट डेट। और वो 6 महीने की पदयात्रा, मतलब आपको उनके जीवन से काफ़ी प्रेरणा मिली? बहुत प्रेरणा मिली। और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ भी आपका काफ़ी संपर्क रहा निकट का, लेकिन क्योंकि आप भारत सरकार की सेवा में थे, क्लास 1 अफसर थे, तो इसलिए आपको राजनीति से थोड़ा दूर रहना पड़ा।